विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शनिवार को कहा कि पूरे विश्व में जानलेवा कोरोना वायरस COVID-19 से मरने वालों की संख्या 3,380 हो गई है। WHO ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 2873 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98,192 हो गई है, जिसमें से अकेले चीन में 80,711 लोग शामिल हैं। चीन स्वास्थ्य अधिकारियों ने आज बताया कि वायरस संक्रमण के 99 नए मामले की पुष्टि की गई है और इस जानलेवा बीमारी से शुक्रवार को 28 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 31 क्षेत्रों में न्यूमोनिया के 80,651 मामले मिले हैं, जिसमें से 22,170 संक्रमित हैं, 5,489 की हालत नाजुक है और 3,070 की लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 55,404 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस COVID-19 के 20 टीके विभिन्न वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संस्थानों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक तेजेंद्र ए ग्रेबियंस ने कहा कि अब तक COVID-19 के संक्रमण की जांच के लिए 40 डायग्नोसिस टेस्ट की समीक्षा और मंजूरी के लिए हमारे पास आवेदन आए हैं। इसके अलावा 20 टीके भी विकसित विकास के चरण में हैं और कई तरह के उपचार भी क्लिनिकली ट्रायल के चरण में हैं। अब तक इस बीमारी के टीका या उपचार नहीं ढूंढा लिया जाता, तब तक सभी देश इसे फैलने से रोकने का पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम राष्ट्रों से अपील करते हैं कि COVID-19 के संक्रमण के मामले का पता लगाने की जांच करने, उन्हें दूर लोगों करने और अपने संपर्क में आए लोगों को पता लगाने का काम जारी रखें। इस प्रकार की गति धीमी करने से हमें कोई लोगों की जान बचा सकते हैं तथा हम तैयारियां, अनुसंधान और टीके तथा दवा विकसित करने के लिए समय मिल सकेगा। COVID-19 के कारण दवाओं की आपूर्ति में उत्पन्न हुई बाधाओं में पर WHO नजर रख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $8.3 अरब आपातकाल पैकेज का हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी सांसद ने इस बीमारी के फैलने से रोकने के लिए पिछले सप्ताह पारित किया था। अमेरिकी सीनेट ने प्रतिनिधित्व सभा द्वारा इस तरह के सर्वदलीय अनुमोदन के बाद गुरुवार को इस पैकेज को पारित किया गया है। दोनों सीनेट और सदन के पैनल बातचीत के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस रकम को संघीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को टीका, जांच और कारगर इलाज के लिए मुहैया कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक संक्रमण से बचाव के लिए 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, मरीज को सीधे न छुएं, खांसने या छींकने के समय नैपकिन या कपड़े का इस्तेमाल करें, सफ़र के दौरान AN मास्क पहनें और एडवाइजरी के मुताबिक अगर आप संक्रमित हैं तो तत्काल नज़दीक के अस्पताल में जाएं। धन्यवाद।